नमस्कार मध्यान खबर को स्वागत मु मंदाकिनी प्रथम देखिबा हेडलाइंस। गभीर अवपात रूप नेला लघुचाप उत्तर एवं उपकूल ओडिशा रे प्रबल वर्षा चांदपाली दे भोरु अतिक्रम कला स्थलपथ ट्विन सिटी पई आगामी 6 घंटा पई सतर्कता जारी। प्रबल वर्षा जो बार जिले में स्कूल बंद रेड वार्निंग थिबा जिला मानकरे खोलिबनी स्कूल गतकाली 7 जिला पई वार्निंग जारी करा जायतबा बेले आज 5 जिला पई जारी होई छी रेड वार्निंग विद्यालय एवं गणशिक्षा मंत्री समीर दास को सूचना। लगाण वर्षा रे बेहाल सिल्वर सिटी बुड़िला बादामबाड़ी पट्टापोलो सह तलिया अंचल अलारनाथ एवं आरडी मंदिर रे पानी संबलपुर निधिपुर गड़ा रे 3 फुट रो वर्षा जल रास्ता रे उपरे वर्षा पानी जलेश्वर रे विपद संकेत उपरे जलका। मूर्ति उच्चता एवं आबद्ध पूजा प्रसंग राज्य सरकार को निष्पत्ति विरोध में बीजेपी 12 घंटिया कटक बंद डाकरा दाबी पूरण न होबा जाए आंदोलन जारी रखा चेतावनी। धौली रे डेलीवरी बॉय को अपहरण अभियोग अपहरण नहीं परिवार लोकों को पठाइले वॉइस मेसेज धौली थाने अभियोग पर पुलिस तदंत 24 घंटा पर भी मिलनी पत्ता। गुजरात को फेरिला पटेल राज आज दिन 2 मुख्यमंत्री भाव शपथ ने भूपेन्द्र पटेल जोगदेवे केन्द्र गृहमंत्री अमित शाह विधायक दल बैठक पर निष्पत्ति। राज्य में 500 तलकु खसला दैनिक संक्रमण 24 घंटे 471 नुआ पॉजिटिव खोर्धारु सर्वाधिक 126 केस सेपटे 6 जीवन नेला भाइरस। एवं बाहरीन रे ओडिया श्रमिकों को निर्यातना घटना समस्त प्रकार सहयोग जोगाय देबा को प्रतिश्रुति देले बाहरीन श्रम मंत्री स्थानीय सरकार एवं भारतीय दूतावास सहित जोगाजोग कले ओडिया समाज सभापति प्रवासी ओडिया श्रमिकों सुरक्षा पई प्रचेष्टा रे डॉक्टर अरुण प्रहराज। संपूर्ण खबर को गभीर अवपात रूप नेला बंगोपसगर में सृष्ट लघुचाप चांदवाली देई भोरु अतिक्रम करिछि स्थलपथ वर्तमान एहा उत्तर पूर्व बंगोपसगर एवं ओडिशा उपकूल रे सक्रिय रहिछि। पश्चिम उत्तर पश्चिम दिगरे घंटा प्रति 5 किलोमीटर बेगरे गति करुछि। आसंता 48 घंटा मध्यरे एहा मध्यप्रदेश आड़ को गति करिब परवर्ती 24 घंटा मध्यरे एहा दुर्बल होई अवपात रे परिणत हेबो बोली सूचना देछि पाणीपाग विभाग। आंचलिक पाणीपाग केन्द्रर सूचना अनुसार सका 8:30 मध्यरे पुरी रे सर्वाधिक 341 मिलीमिटर पारादीप 219 मिलीमिटर भुवनेश्वर 195 मिलीमिटर बालेश्वर 24 चांदवाली 46 एवं गोपालपुर 64 मिलीमिटर वर्षा रेकर्ड करा जायछि। कटक एवं भुवनेश्वर सहरवासी को आसंता 6 घंटा पई सतर्क रहबा को परामर्श देछि आंचलिक पाणीपाग केन्द्र। एठारे घंटा को 2-3 सेंटीमीटर पर्यंत वर्षा होबा नै आकलन करा जायतिबार सूचना मिलिछि। ट्विन सिटी रो तळिया अंचल जलमग्न होई पारे एणु जल निष्कासन लागि आंचलिक पाणीपाग केन्द्र पक्षरु कुहा जायछि। एपरिकि घरु बाहर को नजिबा लागि भी पाणीपाग केन्द्र पक्षरु जनसाधारण को परामर्श दिया जायछि। तेब आपण देखुवा ये विजुआल हो जलका ब्रह्मपुर पुरी कटक एवं भुवनेश्वर एवं जगत सिंहपुर आपण मैंने देखिपे रास्त किभली लहड़ी मारुची वर्षा पा लघुचाप प्रभाव में जो वर्षा बर्तमान होषा बर्तमान एक प्रकार बुड़ जाइए सहर मान जदि देखा यह हूँ सबुठ बड़ लघुचाप बोली जहाँ आंचलिक पापाग केन्द्र सूचना दे तेबे संपर्क में अधिक सूचना देवाई आम सहित जोड़ी होती गगन विश्वाल दिल्ली प्रतिनिधि। गगन बर्तमान लघुचाप प्रभाव में सेठार स्थिति केमती देखुंत जनित वर्षा पाई किभली वर्षा रोचे कहीं बर्तमान देखिए सबुठी वर्षा वृद्धि होबार लगी तेज अधिक आलोचना करवा आम सहित आईएमडी डीजी अच्छा मृत्युंजय सर सर्वप्रथम चैनल को स्वागत करी सर जो भाई आम ग्राफ पिक्चर देखुचु पछपटे पश्चिम ओडिशा और किसी जिला को आज रेड आलर्ट रखुंट उपकूल ओडिशा में वर्षा होर्तमान सर सिग्निफिकेंट कौन कौन जो पिक्चर आ रहा कौन बर्तमान स्थिति हूँ यह गभर पात्र आज सका चांदवाली निकट रे उपकूल अतिक्रम करने
उपकूल ओडिशा रे चांदवाली रो पश्चिम उत्तर पश्चिम दिग्रे प्रायत 20 किलोमीटर दूर रे केन्द्रीभूत अच्छी यार प्रभाव आपण देखिबे जे संपूर्ण ओडिशा रे वर्तमान मेघाच्छन्न रहिछि एवं वर्षा मध्य अधिक होउछि एवं धीरे धीरे वर्षार परिमाण आभ्यंतरण ओडिशा रो जिला मानकरे बढ़िबाकु लागिछि एवं उपकूलवर्ती जिला मानकरे जो वर्षा होउतला ता कमिबार लागिछि एवं सबुठ बेसी वर्षा वर्तमान जो निकटस्थ आभ्यंतरण जिला रही उपकूलवर्ती जिला को लगिकी जमीती ढेंकानाल अनुगुल इत्यादि जिला मानक वर्तमान जारी रही धीरे धीरे यही वर्षार परिमाण पश्चिम ओडिशा विशेषतः बरगढ़ संबलपुर देवगढ़ अनुगुल बौद्ध इत्यादि जिला मानक अधिक वर्षा है और से जिला मानक आम एक्सट्रीमली हेवी मान अत्यंत प्रबल वर्षार पूर्वानुमान करूँ यह सहित यार निकटवर्ती सब जिला सब रही पश्चिम ओडिशा जोटा कि ऑरेंज कलर यहाँ देखा जाए से वर्षार परिमाण हेवी टू भेरी हेवी रेनफॉल आकार रही अनुमान करा जाउछि आज पाए काली पाखरु वर्षा परिमाण बहुत परिमाण कमी जीव कारण यही गभीर अवपातटी आसंदा 24 घंटा मध्य पश्चिम उत्तर पश्चिम दिगरे गति करके काली सकाळ बेळकु यह छत्तीसगढ़ उपरे केन्द्रीभूत हेबो एवं सेही भाबरे आमर जो मेघ ओडिशा उपर रहिछि ताहा पश्चिम उत्तर पश्चिम दिगाडकु गति करिवो तेणु आज ही सबुठ अधिक समय जोथे कि सबुठ अधिक वर्षा ओडिशा रे रेकर्ड कर संभावना रही है जेपड़े आप कहे पश्चिम ओडिशा रे वर्षा बढ़ो से भाव जो मुमेंट से कर बालेश्वर मयूरभंज जिला गुड़िक वर्षा अधिक हो पारे बालेश्वर मयूरभंज रे बेसी वर्षा हम ना केवल आपणकर हेवी रेनफॉल माने 6-12 सेंटीमीटर मध्य वर्षा हो पारे किंतु विशेषतः ये जो जिला सब रही आपणकर सुंदरगढ़ ठार आरंभ करके केउंझर एवं तापर संबलपुर बरगढ़ बौद्ध देवगढ़ यही सब जिला मानकरे आपणकर सबुठ अधिक वर्षा रहिबो एवं तापर तार निकटस्थ जो जिला रही पश्चिम ओडिशा रे सेठरे मध्य प्रबल रु अति प्रबल वर्षा रहिबो आकलन अनुसार सर वर्षा हैला एवं सेप्टेम्बर रे दुईटी सप्ताह रे दुईटी लघुचाप हे सलाणी तो आगामी दिन रे बा नेक्स्ट वीक सेमते किछि पुनी आकलन करछन्ति सर हां जेमिति हमें पूर्वानुमान करितरु जे दुईटी लघुचाप सृष्टि हेबो एवं सेहिबोली अनुसार मध्य लघुचाप सृष्टि आ फळरे जे वर्षार परिमाण जो नियंटिया होता अगस्त मास रे ता बहु परिमाण रे वर्तमान मध्य पूरण होगा लगी वर्षा आज सब अधिक हापर का कमिज पुणी 16 कि 17 तारीख बेलू गोटे घूर्णी बलय पुणी उत्तर बंगोपसगर सृष्टि होवार समान रही उत्तर ओडिशा उपकूल आड़क मुहाइब 18 तारीख पाखापाखि उत्तर ओडिशा उपकूल निकट में पहुँच तेणु आउ गोटे रेनफॉल स्पेल आम 17 तारीख 18 तारीख पाखु देखा पाइबा बर्तमान सर जो वर्षा फल अनेक जगह वाटर लगिंग देखा मिलूँ तो बन्या हबार आशंका रही कि सर जब अधिक वर्षा हुए बर्तमान जेहेतु ये सिस्टम टी बर्तमान पश्चिम उत्तर पश्चिम दिखे जाऊँ आज ही जहाँ वर्षा कल ठीक वर्षा कम लगे तेणु जो फ्लाश फ्लड मानने अति अल्प समय मध्य गुड़ाए वर्षा हवा फल जो बन्या आकार परिस्थिति सृष्टि होता है से भाई परिस्थिति सृष्टि हो पाए जमीक देखा पाए गत 24 घंटा मध्य विशेषतः सहरांचल मानक तो सर आसंता काली पर्यंत जो अलर्ट जारी कराई बर्तमान खास कर जो बंदर गुड़िक रही है मत्स्यजीवी मानी से विशेष सूचना ओडिशा उपकूल में एवं मध्य पवन पाखापाखि 50-60 किलोमीटर प्रति घंटा बेगर प्रभावित हो तेणु उत्तर पश्चिम बंगोपसगर और निकटस्थ पश्चिम केन्द्र बंगोपसगर मध्य अशांत रही एवं यह आज ये अशांत रहिबो आज संध्या पर्यंत पवन 50-60 किलोमीटर प्रति घंटा रहिबा सहित यापर कमिक 40-50 किलोमीटर प्रति घंटा हेबो आसंता काली सकाळ पाखरु संपूर्ण भाव में एठारे जो समुद्र स्वाभाविक होइजिबो तेणु मत्स्यजीवी भाई मैंने पुणी काली ठारु समुद्र मध्य जाइपरिबे आज कौन मत्स्यजीवी भाई समुद्र मध्य जावा उचित नुहे सर किसी रिपोर्ट मध्य आसी भुवनेश्वर और पारादीप रे किसी रेकर्ड संख्यक वर्षा होती ये अपने आप देखंतु जून रु सेप्टेम्बर मास मध्य आमर मौसम जनित वर्षा होता है जिते बड़े गोटे अवपात व गभीर अवपात ओडिशा उपकूल दी अतिक्रम करता है से समय अत्यंत प्रबल वर्षा रेकर्ड कर पूर्व वर्षा आगु रेकर्ड कर किंतु आप जदि के समय को लेकिन तुलना कर निर्भर कर ये रेकर्ड भांगा कि नहीं किंतु यही समय जिते बड़े कौन सी गोटे अवपात गभीर अवपात उपकूल अतिक्रम करता है वर्षा होता है कौन सर कौन मेसेज मेसेज हूँ या जे आपण मैंने सावधान रहा उचित एवं आमर जो पूर्वानुमान जा सठिक शुणा उचित एवं सरकार तरफ जो पदक्षेप निया अवलम्बन करवा उचित निरापद स्थान रहा उचित कारण जो वल्नरेबल स्ट्रक्चर रही है जोठे कि घर भुशुड़ पड़ा सामान रही माटी घर जोटा कि पुराणा हो जाए छपर ठीक ना से सब क्षतिग्रस्त हो पाए यह सहित आपणकर गाड़ी चलाचल बाधाप्राप्त हो कारण रोड खसड़ा हे
ଏବଂ ପବନ ଏତେ ଜୋର ହେବ, ପବନ ତ ବେଶୀ ହେବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଏତେ ଜୋର ହେବ ଯେ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ମାଟି ଟିକିଏ ନରମ ଅଛି ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ଲାଇଡ଼୍ ବା ମଡ଼ସ୍ଲାଇଡ଼୍ ବା ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ଲିପ୍ ବା ଲ୍ୟାଣ୍ଡସିଙ୍କ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ସାବଧାନ ରହିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଆମେ ଯେଉଁ ଏହାର ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ବୋଲି ଯାହା ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଅନୁମାନ କରିଛୁ ସେ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଉଚିତ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ସାର୍ ଆମ ସହିତ ଥିଲେ, ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ କଥା ରଖୁଥିଲେ ଯେ କିଭଳି ଭାବେ ସତର୍କ ସୂଚନା ରହିଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିବ। ତେବେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ଆଜି ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ମନା ରହିଛି, ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ଆସନ୍ତାକାଲି ସେମାନେ ଯାଇପାରନ୍ତି। IMD ଯେଉଁ ବୁଲେଟିନ୍ ଜାରି ରହୁଛି ତା ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ରହିବା ଉଚିତ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ନିରଜ ସହିତ ଗଗନ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗଗନ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେ ଯଦି ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତିପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏହାର ଗତିପଥ ବଦଳିବ ସେତେବେଳେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ଯାହା ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ IMD DG। ଏବଂ ଯଦି ଦେଖିବା ବରଗଡ଼, ବଲାଙ୍ଗୀର ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତିପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ ବର୍ଷା ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ପ୍ରକାର ବନ୍ୟାର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେବେ ସେଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ସଜାଗ ରହିବା ଦରକାର। ତେବେ ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତିପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ଆଜି ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଢେଙ୍କାନାଳ ଏବଂ ନୟାଗଡ଼ରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତିପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ସମ୍ବଲପୁର, ଦେବଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, ସୋନପୁର, ବରଗଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ବଲାଙ୍ଗୀର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ବୌଦ୍ଧ, କେନ୍ଦୁଝର, ଢେଙ୍କାନାଳ ଏବଂ କଟକକୁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ସହରାଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଭିଜିବିଲିଟି ମଧ୍ୟ କମ୍ ରହିବ, ଧାନ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, କଚ୍ଚା ଘର, ମାଟି ରାସ୍ତା, କାନ୍ଥ ଭୁଷୁଡ଼ିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବର୍ଷା ସମୟରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ପବନର ବେଗ 45-55 କିଲୋମିଟର ଏବଂ ଝଟକା ପବନ 65 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ ବୋଲି ସତର୍କ କରାଯାଇଛି। ଏହାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହିତ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ କମିଶନର। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ପୁରୀରେ ସର୍ବାଧିକ 328.0 mm ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପାରାଦ୍ୱୀପରେ 219 mm ବର୍ଷା, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 193.0 mm ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଆଜି 12ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଥିବା 12 ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ଏବଂ କାଲି ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଗତକାଲି 7 ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି 5 ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ରହିବ। ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଢେଙ୍କାନାଳ ଏବଂ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏହା ସହିତ ସମ୍ବଲପୁର, ଦେଓଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, ସୋନପୁର ଏବଂ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ ରାଜଧାନୀରେ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ବର୍ଷିଲେ ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ଆଜି ସକାଳୁ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଅପରାଜିତା। ଏହି ଅବସରରେ ଲୋକଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ନିଜ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର 21 ବର୍ଷ ଧରି କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦରେ ଶୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସଦ। ଡ୍ରେନେଜ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ବର୍ଷା ନେଇଗଲା ଜୀବନ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ନାଳ ପାଣିର ଭାସିଯିବାରୁ ଜଣେ ଚାଷୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ନଈ ନାଳ ଫୁଲି ଉଠିଛି। ନାଳ ପାଣିରେ ସୁଅରେ ବୁଡ଼ି ଜଣେ ଯୁବ ଚାଷୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମୃତକ ଜଣକ ନୂଆଗଡ଼ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ମୋରମ ସିଂ ଗ୍ରାମର କମ୍ବେଶ୍ୱର ପାଟସାଣୀ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। କମ୍ବେଶ୍ୱର ନିଜ ବିଲକୁ ଫସଲ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ନାଳ ପାର ହେଉଥିବା ବେଳେ ପାଣି ସୁଅରେ ଭାସି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। କମ୍ବେଶ୍ୱର 6 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁରେ ଗାଁରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ମୃତକ ପରିବାରକୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ତଥା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସେ ବର୍ଷା ପାଣିରେ ଜମି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ଜମି ଦେଖିବାକୁ ଗଲାବେଳେ ସେ ଗୋଟେ ନାଳ ଅଛି, ସେ ନାଳରେ ପଡ଼ିକି ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଖସି ହେଇଛି ବୋଧେ, ତେଣୁ ସେ ପଡ଼ିକି ସେ ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଲୋକ ଦେଖିଲେ କାହିଁ ଘରକୁ ଆସୁନି, ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଗଲାପରେ ଖୋଜାଖୋଜି କରିକି ଦେଖିଲେ ଯେ ସେ ସେ ନାଳ ଜାଳରେ ଗୋଟେ ଲାଖିକି ରହିଛି।
ଏବଂ ସେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିକିରି ମରିଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କିଛି ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯଦି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଉପକୃତ ହେବେ। ଆଉ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ ରଖୁଛି ଯେ ଏଇ ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାରବର୍ଗ ଯାହାକି ତିନି ମାସ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ବାହାଘର ହୋଇଥିଲା, ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀଟି ତିନି ମାସର ବିବାହିତ ମହିଳାଟିଏ, ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଅନୁରୋଧ ରଖୁଛୁ ସରକାରଙ୍କର ସହାୟତା ରାଶି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ସହିତ ଆମେମାନେ ଚିର ଉପକୃତ ହେବୁ। तेज संपर्क अधिक सूचना देवाई आम सहित फोन लाइन में जोड़ी होती आम खोर्धा प्रतिनिधि विक्रम साहू। विक्रम आम तो देखिपे गाँव में शोकाकूल परिस्थिति रही जड़े युवचाषी एभली भाव में मृत्यु घटी तेज प्रशासन पक्ष कौन सब पदक्षेप ग्रहण कर ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ପ୍ରଖର ପାଣି ସୋରେ ସେ ଭାସି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏହି ଘଟଣା ସକାଳ 7ଟାରେ ଘଟି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କ ଘରଟି କେହି ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି, ଯାହା କେବଳ ଆସିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଯାଇକି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଗୋଟେ ୟୁଡି କେସ୍ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିକି ତାକୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇଛି ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦାବି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିକ୍ରମ, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସରକାର ତାହା ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାହାରି ଉପରେ ନଜର ହେବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବିକ୍ରମ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ। ସମୟ ହେଉଛି ଏକ ବ୍ରେକ୍ର। ବ୍ରେକ୍ ପରେ ସ୍ୱାଗତ। ଧଉଳିରେ ଡେଲିଭରି ବୟଙ୍କୁ ଅପହରଣ ଅଭିଯୋଗ। ସ୍ୱିଗି ଡେଲିଭରି ବୟଙ୍କର ଚପଲ, ବ୍ୟାଗ, ଗଞ୍ଜି ଏବଂ ଏକ ଛୁରୀ ଦୟାନଦୀ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଥିବା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା। ତେବେ ଅପହରଣକାରୀ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଭଏସ୍ ମେସେଜରେ ଅପହରଣ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଧଉଳି ଥାନାରେ ଏ ନେଇ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଡେଲିଭରି ବୟଙ୍କର ଘର ଧଉଳି ଥାନା ବିଜୟନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅଭିଯୋଗ ପରେ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ଧଉଳି ଥାନା ପୋଲିସ। ପୋଲିସ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଗଠନ କରି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଥିବା ବେଳେ 24 ଘଣ୍ଟା ବିତି ଯାଇଥିଲେ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡେଲିଭରି ବୟଙ୍କର କୌଣସି ପତ୍ତା ମିଳିପାରିନାହିଁ। ଭାଇକି କହ ଏଇଠିକି ଆସିବ, ମତେ କିଛି ଲୋକ ଛୁରୀ ଭୁସି ଦେଇଛନ୍ତି, ଉତ୍ତରଟି ଟିକି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ଏତେ ଡାଲା ଅଟୋରେ। ମୁଁ ଉତ୍ତର ଏଇପଟେ ନୂଆ ଗାଁ ପଟେ ବ୍ରିଜ ଏପଟେ ଅଛି, ମରିବି କି ବଞ୍ଚିବି ଜାଣିନି। ଭାଇକି କହ ଏ ଲୋକେସନ ଜାଗାକୁ ଆସିବ, ମୋ ଅଟୋରେ ଶୋଇଛି, ମୋ ଫୋନ ନେଇଗଲେ, ମୋ ପଇସା ନେଇଗଲେ ଧନ। ତେବେ ଧଉଳି ନିକଟସ୍ଥ ଜାଗାରୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଜଣେ ସ୍ୱିଗି ଡେଲିଭରି ବୟଙ୍କର ଅପହରଣ ହୋଇଛି ତାହାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସ୍ୱିଗି ଡେଲିଭରି ବୟଙ୍କର ଚପଲ, ବ୍ୟାଗ, ଗଞ୍ଜି ଏବଂ ଏକ ଛୁରୀ ଦୟାନଦୀ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ଯିଏ ଅପହରଣ ହୋଇଛନ୍ତି ସିଏ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଏକ ଭଏସ୍ ମେସେଜ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ପଠାଇଥିଲେ, ଯେଉଁ ଭଏସ୍ ମେସେଜକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧରି ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ତେବେ ଅପହରଣକାରୀ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜେ ମେସେଜ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେ ମେସେଜ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅପହରଣ କରିଛନ୍ତି ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ। ତେବେ କାହିଁକି ଅପହରଣ କରିଛନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହାର କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିନଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଗଠନ କରି ଏହାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ତେବେ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ଧଉଳି ଥାନା ପୋଲିସ। ସେ ପୋଲିସର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ 24 ଘଣ୍ଟା ବିତି ଯାଇଥିଲେ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର କୌଣସି ପତ୍ତା ମିଳିପାରିନାହିଁ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରତିନିଧି ରୋଶନ ରଥ। ରୋଶନ, 24 ଘଣ୍ଟା ବିତିଗଲାଣି କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡେଲିଭରି ବୟଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବି ପତ୍ତା ବା ଖୋଜ ଖବର ମିଳିପାରୁନି, କ'ଣ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅପଡେଟ୍? ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଅପହରଣ ହଉଛି ଶନିବାର ରାତିର ଘଟଣା, ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି
सोमवार है बर्तमान सुधा सेमती किसी अपडेट मिल पारे जे बास्तव में जो स्विगी डिलीवरी बॉय रही पतित पावन पृष्टि क्यों कारण जो अपहरण क्यों अपहरण पचरे रही किसी डिमांड रही बर्तमान सुधा सामना को आसी पारे कारण नॉर्मली केस रे देखा विभिन्न समय अर्थ डिमांड करी अपहरण कराए कि वर्तमान परिस्थिति में आम जब देखा घर लोक सेमती किसी डिमांड आसी जहाँ कि जो डिमांड पर पतित पावन को मुकुले देवे तेणु वास्तविक रे पूर्व शत्रुता बोली क्योंठ ना क्योंठ अनुमान करपटे आम जब देखा जो वॉइस मेसेज टी आसी पत्नी अपहरण पूरा घटना पर आपण नजर रखि दांतु रसुन बहुत बहुत धन्यवाद आपणकर समस्त सूचना पे तेबे बीजेपी रो एक सांबादिक सम्मेलनी वर्तमान चली छे आसंतु देखिबा यार सीधा प्रसारण बंचेबा परिवर्ते केवल डाटा को ऊपर तळ करी ओडिसा लोकंकु भ्रमित करिचंती आपणकर मने थिबो जुलाई मासर प्रथम सप्ताह रे राज्य सरकार बड़का कोविड मृत्युर घोषणा आरंभ करथिले दैनिक 30-40 रु आरंभ करिकिर ताकु पुणी 60 पर्यंत पहुंचेले सरकारंकर जुक्ति थिला जे ऑडिट जेमती जेमती हबो से भली भाबरे मृत्यु संख्या आसीबो एठी प्रश्न आछुची ऑडिट आजि डेट रे हेई पारे किंतु मृत्यु संख्या तो जो दिन रो सेई दिन रे बाहरिबा कथा किंतु राज्य सरकार ताकु प्रत्येक दिन 60-70 मृत्यु देखेकिर जेतेबेले करोना रो लहर मध्य कबिला से समय रे दैनिक 60-70 देखेले एवं कहले जुलाई मासरे आम सार देबू पुणी कहले अगस्ट मासरे सार देबू सेप्टेम्बर मासर 4 तारीख पर्यंत सरकार दैनिक 1 तारीख पर्यंत पाखापाखी 60 देखौतले वर्तमान जोटा कमिकी 4-5 पहुँची तेणु ये हूँ किभली भाव राज्य सरकार ओडिशावासी को सारा भारत को भ्रमित करुंट कोविड नहीं तार एक हूँ ज्वलत उदाहरण कोविड्र मृत्यु इतिम्य 8092 पहुँची कोविड रे 8000 मृत्यु होता राज्य मानक ओडिशा हूँ 16 नंबर स्थान रे केवल करोनार द्वितीय लहर रे 6269 ऊर्ध लोक मृत्यु हेलानी किंतु प्रथम लहर रे सरकार कही 1876 लोकंकर मृत्यु होम जदि से हिसाब को देखा प्रचार सर्वस्व ओडिशा सरकार किभली भाव में मिथ्या तथ्य लोक मान आगे रखिंट तथ्य अनुजाई 2019 342,947 मृत्यु पंजीकरण होता जोटा 2020 362,982 मृत्यु पंजीकरण होता जदि 2019 तुलन में 20 को देखिए 20,000 रु ऊर्ध लोक मृत्यु बरण करी जहा कि कोरोना कारण किंतु राज्य सरकार मोटे देखेले 1876 से भाव 2021 मसीह सरकार मोटे 6269 जनकर मृत्यु देखते गत 4 मास भितरे मृत्यु संख्या 150,000 जहाँ तथ्य कहूँ से समय पूर्व वर्ष तुलन में 10 गुण अधिका मृत्यु सेठी मोटे सरकार देखते 6269 तेणु ये तथ्य को जदि आम देखा एथुरु स्पष्ट अनुमान होची सरकार डाटा को मैनिपुलेशन करुचंती मृत्यु संख्या को कम देखउचंती या द्वारा सरकार कौन प्रतिपादित करने को चाहूचंती सरकार जदि सत्य को मानिबे नाही ताहले मृत्यु संख्या बढ़िबो आपणकर मने थिबो करोनार द्वितीय लहर समय जो भली भावरे जुई विभिन्न जगार लिभु नाला सरकार कहते 15 जन मरी 20 जन मरी एवं कहते 60 ML 70 ML तेणु सरकार जो भाव में लुचौंट ये निश्चित भाव ये रोग को अटकवे सफल हम ना गत काली सेप्टेम्बर सुधा ओडिशा 10,15,713 कोविड संक्रमण मामला निश्चित होा मोट भारतर मामलार 3.5% तेबे 4.2 कोटी जनसंख्या पाई महामारी आरंभरु सरकारी मृत्यु संख्या होची 8,145 जहाँ भारतर मोट मृत्यु संख्यार 1.83% ओडिशा सरकार कौन एमती पदक्षेप नेले जे एते संख्या बढ़िला परे मध्यंकर मृत्यु संख्या कमिला तेणु ये निश्चित भावरे राज्य सरकारंकर डाटा मैनिपुलेशन को स्पष्ट भावरे लोकलोचन थौची
एवं राज्य सरकार आपण जानिथिबे अनेक गुड़िया घटना बलांगीर कोलाहांडीरु आसिला आरटीपीसीआर टेस्ट हेकि गला बेळकु से लोक मृत्युवरण कर सारलाणी। एप्रिल 2021 रे जेतेबेळे कोविड 19 एक मारात्मक द्वितीय लहर कबल थिला से समय ओडिसा रे संक्रमण द्रुत गति रे वृद्धि पाउथला, किंतु आरटीपीसीआर परीक्षा पई राज्य रे केवल 31 परीक्षागार थिला, 13 परीक्षागार थिला, 13 रु 9 लैब केवल भुवनेश्वर थिला। वर्तमान ए संख्या बढ़िकरी 20 होईछि, सेति मध्यरु 11 टी राजधानी रे अछि। आपण चिंता करंतु नुआपड़ा नवरंगपुर मयूरभंज देवगढ़ कोलाहांडी परी अधिकांश आदिवासी प्राधान्य जिले रे बासिंदांकु आज मध्य परीक्षार फल पई अति कम रे 7 रु 10 दिन पर्यंत अपेक्षा करबाकु पड़ जाउछि। आज स्थिति आज जो महामारी लहर मालकानगिरी बंडा रायगड़ार डंगरिया कंध मयूरभंज खड़िया एवं सुंदरगढ़ पापुड़ी भुयांक परी आदिम असुरक्षित आदिवासी गोष्ठी मध्य व्यापी 30% रु अधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या विशिष्ट यह जिलागुड़िक मानव विकास सूचकांक निम्न 50 जिला मध्य स्थान पाई महामारी समय मध्य से माने अत्यधिक असुरक्षित रही। राज्य में मोट 2849 आईसीयू शज्या मध्य कटक एवं खोर्धा दुईट जिले में 1378 आईसीयू रही। रायगड़ा मालकानगिरी और मयूरभंज जिला भली जिले में केवल 10 आईसीयू शज्या रही। माने सरकार जो कोविड मुकाबला ये कौन केवल कटक भुवनेश्वर खोर्धा भितर सीमित कि ताहले बाकी अंचल लोक किभली भाव ये जो कोविड महामारी सहित तो लड़े करेंगे। आम जदि ओडिशार दुर्बल स्वास्थ्य भित्तिभूमि उपरे टिके आलोकपात करिबा मु भावुच उचित हबो। डाक्टर उपलब्धि क्षेत्र में ओडिशा होची 12तम राज्य, देशर जनसंख्या अनुपात 1864 जनसंख्यार जड़े डाक्तर अच्छा से हीपरी समग्र भारत 1456 जणरे जणे थिला बेले ओडिशा रे 1864 जणरे जणे डाक्तर अछंती। भारतर जातीय हार 139 तुलना रे ओडिशा रे 1,00,000 जनसंख्या रे हॉस्पिटल बेड संख्या होची 69 टी। जदि आमे आमर पड़ोसी राज्य कर्णाटक देखिबा 1,00,398 टी बेड, केरल देखिबा 282 टी बेड, आंध्र रे 205 टी बेड, उत्तर प्रदेश रे 125 टी बेड, जदि ओडिशा रे देखिबा एहा सबुठु कम। ये होची ओडिशा रा बेड रा संख्या। वर्तमान पई बुलेटिन को एठ रखुछु। नमस्कार।